तो मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो अब जब किसी को देखता हूँ साथ में, कल एक कपल को देखा स्कूटी सिखा रहा था अपनी बंदी को, तो मेरे दिल से क्या आवाज आई, तेरी बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी वो चाहेगी किसी और को, जो राज किसी को ना बताने के लिए बताए थे वो राज बताएगी किसी गैर को, और सिखा रहे हो उसे स्कूटी तो फिर एक बात जान लो, सीखेगी तुमसे मगर बैठा के चलाएगी किसी और को। जैसी जो अच्छी लड़कियां होती है ना, उन सबके साथ यही प्रॉब्लम है। तुम सबके माथे पे एक स्टिकर चिपका होता है, उस पे लिखा होता है यूज मी, एंड दैट इज व्हाट पीपल डू, दे यूज यू एंड दे थ्रो यू। यूं अकेले में बैठना और तुम्हें सोचकर मुस्कुराना, बस एक यही तरीका है मेरे पास तुम्हें महसूस करने का। यकीन नहीं होता मुझे कि एक वक्त पर जिस लड़की को मैं देखने के लिए तरसता था, जो उसे देखने का दिल नहीं करता, एक वक्त जब मैं उसके मैसेज का वेट किया करता था, आज वो मेरी तरफ से ब्लॉक है। एक वक्त जब वो उदास हो जाया करती थी तो मेरी दुनिया उजड़ जाया करती थी, आज अगर वो मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्यार के अंदर लॉयल बंदा था। चूतिया नहीं था कि तू किसी के साथ घूमे फिरे, मरवाए और मुझे कोई फर्क ना पड़े। और अब तू जिए या मरे क्या फर्क पड़ता। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है, उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर वन पे। हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए? अच्छे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य बढ़ाए? ना ना ना, इन्हें चाहिए ज़ॉम्बी जो क्या करते हैं, सिर्फ लिखते रहते हैं असाइनमेंट, जर्नल, प्रोजेक्ट शीट, ये सब। इनसे पूछ, चार साल तुमने क्या किया? हमने लिखा। क्या लिखा? एम, एक्सपेरिमेंट, लेसन, कंक्लूजन। कितना कमाते हैं और एजुकेशन पर आप खर्च कितना करते हो कॉलेज में? 5, 10, 15, 20 लाख, 25 लाख। मेडिकल में तो और जाता है ऊपर। हमारा जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज ऑल अबाउट डिफीटिंग सम। बस थ्योरेटिकल रसी लेके एक टीचर से दूसरे टीचर के बीच भागते रहते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज नल्ला। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रखी हमारी। बंदे का जब मन टूट जाता है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता। दुनिया की सारी बातें, सारा ज्ञान उसे पहले से पता होता है, लेकिन उस वक्त दिमाग काम नहीं करता। बड़ी मुश्किलों से कोई रिश्ता शुरू हुआ होता है और उस रिश्ते का अचानक टूट जाना आदमी को अंदर से तोड़ जाता है। बहुत आसान है कह देना, अरे ऊपर जाओ यार, नया रास्ता तलाशो, लेकिन जिसके मन पर बीतती है ना, वही जानता है पीर उसकी। यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे और हमारा प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी कैसे चलेगी? तुम ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते। मुझे तो स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। मेरी ख्वाहिशें कल और बढ़ेंगी तो पूरी कर पाओगे? जैसे बड़े बड़े होटल में जाना, सोच में पड़ गए रमी। तुम पहले पैसा कमाना सीखो रमी, फिर मेरे पास आना। पोपटलाल सही बोला था, लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी मत भागना। और अपुन प्यार को सबसे बड़ी चीज समझ बैठा था,